मैं अपने महान सतगुरु जो शब्द रूप होके कण कण दे विच व्यापक है, धन्यवाद करता हाँ। जवान नाल धन्यवाद अनेक बारी भी कर लिए, फिर भी साडा जो मन है ये किसी होर पासे लग्या है, लेकिन सच्चा धन्यवाद उस महान गुरु का अंदर जाके ही कर सकते हैं। कबीर साहब ने कहा सीगा गुरु और गोबिंद, कोई सेवक अभ्यास करता सीगा गुरु और गोबिंद, वो प्रभु और गुरु स्वरूप जिसने कई शब्द नाम दे नाल जोड़ा सीगा, वो दोने आ गए। सेवक सोचता है कि मैं किस दे पैर पकड़ू, ये इकट्ठे आए हैं और दोने ही हस्तियां पूजा दे काबल है, लेकिन अंदर यही फैसला होया कि मैं निमिष्कार बलिहार कुर्बान अपने गुरुदेव ते ही जाना है, क्योंकि अगरे गुरुदेव मैनू ना इस शब्द जोड़दा तो मैं परमात्मा नू देख ना सकदा, पा ना सकदा। सो इसलिए उसने महान इस गरीब आत्मा ते दया कीती, उसदे धनवादी हैं, उहदी दया नाल ही उहदी याद विच बैठे हैं। तो थोड़े अगे स्वामी जी महाराज का छोटा जिहा शब्द थोड़ियां ही लाइनां रखियां जांदियां हन, आप बड़े प्यार नाल संत मत नूं इस दे अंदर बोलते हैं, बयान करते हैं, क्योंकि संत महात्मा जाग दे पुरश हुंदे हैं, वो प्रभु दे प्यार विच जाग उठते हैं और संसार दे विच ना ऐसे अनुभवी पुरश कोई जात या धर्म बनाने वास्ते आते हैं, ना वो किसी खास मुल्क वास्ते आते हैं, ना किसी समाज का प्रचार ही करते हैं। वो सानू बड़े प्यार ना आके दसते हैं कि देखो प्यारे परमात्मा एक समुंदर है, आत्मा उसकी लहर है, जो भी वस्तु असी लहर दे सपुरद करांगे उस समुंदर की तह विच ही बैठ जाएगी। गुरु उस समुंदर की एक लहर हुंदी है, आत्मा बूंद है, फर्क विछोड़े दा है, समुंदर भी पानी है, लहर भी पानी है, बूंद भी पानी है। उस संसार दे विच हमेशा ही आके दसदे है कि देखो प्यारियो ये संसार उसका अपना ही परमात्मा का घर है, उस परमात्मा ने किसी दे कोई लेवल ला के नहीं भेजिया कि ये इस जाति का है या मैं इस जाति नूं मिलना है। ये जातां कौम मजहब समाज बड़े अच्छे समाजक सुधारा ने बनाईयां हन, ये साड़ी उन्नति वास्ते बनाईयां जांदियां हन, कि असीं इन्हां दे विच रहिंदिआं होइआं रहन सहन दे जो तरीके हन वो अपनाइए, किसी समाज के जो निजम होंगे हैं वो बुरे नहीं होंगे गे, सब दे अंदर स्वच्छ और पवित्रता से जोर दिता हुंदा है, बरियाई तो हरेक समाज ही परहेज करवाउंदा है। एक साढ़े स्कूलां कालजां की तरह हैं, क्लासां की तरह हैं। संत महात्मा सानू दसदे है पहली क्लास अपने थां है, दूसरी अपने थां है, तीसरी अपने थां है, हाई क्लास अपने थां है। ये नहीं कि हाई क्लास का विद्यार्थी पहली क्लास दे टीचर नूं कोई बुरा कहे या उस क्लास नूं बुरा कहे, नहीं, उसनूं पता है कि मैं सारियां क्लासां दे विच्चों गुजरिया होया हाँ, लंघिया होया हाँ, उस सब टीचरां दा जिन्हां ने कि पढ़ाया हुंदा है धन्नवादी हुंदा है कि सब ने उस दे इल्म दे अंदर पढ़न दे अंदर मदद कीती हुंदी है। इस तरह संत महात्मा प्यार नाल दसदे है कि सानू भी जिन्हां समाजां दे अंदर
ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੁਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਦੀਨਾ ਜਗ ਹੇਲਾ, ਜਾਗੋ ਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਗੋ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਕੇ, ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਆਪਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਨੀ ਕਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਕਹਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, 10 ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ 20 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, 5 ਰਹਿ ਗਏ, ਜੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਆਖਰੀ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵੈਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਜੋ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਬਲਬਲਾ ਉਤਰੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੰਜਰ ਮੇ ਕਸ਼ਟ ਕਨੇਰੇ, ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਉੱਥੇ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਸਿਮਰੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਣਗੇ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਬਲਬਲ ਉਤਰਾ, ਉਹ ਸਰਪ ਦੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੱਬੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਤੋ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲਟਕੇ ਸਿਮਰੈ, ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਬਲਬਲ ਉਤਰਾ। ਤੋ ਤਰਲੋਚਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ
क्योंकि सूर दे बच्चे ज्यादा होंगे है, इस वास्ते वो आपकी इच्छा उस जगह पूरी करता है। अंत समय जो इसत्री सिमरा वेस्या जून बलबल उतरा, वो वेसवा दे जून अंदर बहुत मर्दां दा संग करन वाली पैदा हुंदी है। तो अंत समय जो नारायण सिमरा ऐसी चिंता में जो मरा, बद त्रिलोचन ते नर मुक्ता पीतंबर जाके हृदय वसै, कहिंदे ओ मालक दे दरबार चला जांदा है, परमात्मा प्रगट हो जाता है, गुरु प्रगट हो जाता है। तो संत सानू दसते हैं कि इन्हों सिमरन करन दी जन्मा जन्मात्रा तो आदत पई हुई है, जिस तरह पानी दी मारी खेती पानी से ही हरी हुंदी है। तो महात्मा साडी इस कमजोरी दा या इस आदत दा लाभ हटाते हुए लेंदे हुए वो सानू एक अपना कमाया होया सिमरन दिंदे है। वो सिमरन किसी किताब या पोथी दे विचों नहीं सुनाउंदे गए, बल्कि जिस जिहड़ा उन्होंने अपनी जिंदगी च खुद कमाया हुंदा है, जिस दे पिछे उन्होंने तप त्याग कम करता है, चार्जिंग कम करती है, वो सानू सिमरन दिंदे है। तो सब तो गृहस्थियां वास्ते बेशक होर भी कई साधन है, इन्हां नौ द्वारियां नूं शरीर दे निचले मत्थे तो हिस्से नूं खाली करन दे, लेकिन गृहस्थियां वास्ते वो कठिन साधन योगियां वाले प्राणायाम वगैरह करने बड़े मुश्किल है। गृहस्थी आदमी बड़ा आसानी दे नाल घर दे कारोबार करदा होया ड्यूटी निभाउंदा होया सिमरन कर सकता है। तो सिमरन दे जरिए सिमरन जो है दुनिया दे सिमरन नूं सिमरन करदा है। जिन्हों याद करते हैं ध्यान भी आखिर उसे दा ही आता है, तो ध्यान नूं ध्यान करता है। नौ द्वारे जब खाली कर लेने हैं शब्द प्रगट हो जाता है, वो सचखंड तो आता है, साड़ी आत्मा उस दे नाल जुड़ के बड़ी आसानी नाल गृह दियां जिम्मेवारियां निभाउंदी हुई वो मालक दे दरबार पहुंच जाती है, जिथों के शुरू विचों आई सी। महात्मा ये नहीं कहिंदे कि थानू अगले जन्म प्रभु मिलेगा जो उसका अनुभव होगा, वो कह लगे नहीं, तुसी ऐसे जन्म अंदर बड़े आसानी दे नाल कर सकते हो। साडे सतगुरु कहिंदे हुंदे जो काम एक आदमी कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। तो संत सतगुरु इस दे अंदर मदद करन वास्ते आउंदे है, सुती आत्मा नूं जगाउण वास्ते आउंदे है, सत्संग दे जरिए वो साडे अंदर बिरे तड़प पैदा करदे है, पवित्रता ते बड़ा जोर दिंदे है। क्योंकि अगर साडा मन पवित्र होएगा तो साडे ख्याल पवित्र होणगे, जितने साडे ख्याल पवित्र होणगे उतना साडा सिमरन भी अच्छा होएगा, उतनी साडी अंदर दी तरफ चढ़ाई ज्यादे होएगी। सो इस वास्ते थोड़े अगे स्वामी जी महाराज का छोटा जिहा शब्द रखा जाता है, गौर ना सुनो। चेतावनी भाग दूसरा शब्द 19वां सार बचन पन्ना 125। सोता मन कस जागे पाई, सो उपाओ मैं करूं बखान। सोता मन कस जागे पाई, सो उपाओ मैं करूं बखान। तीरथ करे भरत बीराखे, विद्या पढ़ के हुए सुजान। स्वामी जी महाराज आम तौर पर जो असी समाजिक लोग क्रियाकर्म करते हैं रीति रिवाज करते हैं उन्होंने जिक्र करते हैं, क्योंकि आम तौर उत्ते असी नौन विच शनान करन दे विच मुक्ति समझते हाँ।
और या पढ़ पढ़ाई विच मुक्ति समझते हाँ, दिन रात पढ़ना, कई कई रोज पढ़ना, इस विच असी मुक्ति समझते हाँ। और संतां दा अपना तजर्बा हुंदा है, उन्होंने खुद बड़े प्रेम प्यार नाल ऐसे रीति रिवाज कर्म कांड कीते हुंदे है। उह सानू कहिंदे है कि देखो प्यारिओ, अगर नौ नाल मुक्ति हुंदी होवे, डड्डू मच्छियां उस पानी विच रोज रहिंदे है। कबीर साहब कहिंदे है, जल का मज्जन जेगत पावै, नित नित मेंढक नावै, जैसे मेंढक तैसे ओ नर, फिर जोनी आवै। कहिंदे कि मेंढक रोज नावै है, अगर ओ मुक्त नहीं, बार बार उथे जन्म लैंदा है, उहदे विच जो साल तो या छे महीनिया तो या चार साल तो दस साल तो अगर डुबकी लाउने हैं, तो किस तरह असी मुक्त हो सकते हैं। पानी चाहे अपना है, चाहे पराया है, चाहे नदी नाले का है, चाहे अच्छे किसी सरोवर का है, वो बदन की मैल ला सकता है। विद्या पढ़ने दे नाल साडे दिमाग अंदर खुलपना जरूर आ जाता है। इहदे नाल ना काम घटदा है, ना क्रोध घटदा है, ना लोभ, ना मोह, ना हंकार घटदा है। साडे सतगुरु कहिंदे हुंदे सी पढ़े लिखिआं नूं कि इहनां नूं दिमागी कुश्ती करन दा शौक पैदा हो जाता है, एक दूसरे ना बहस मासा करन दा शौक हो जाता है। गुरु नानक कहिंदे है, पढ़िया मूर्ख आखीए जिस लभ लोभ हंकार। वो कहिंदे जे तुहाडा हंकार ना घटिया, जो पंजे बकार है इन्हां विचों कोई भी ना घटिया, तो मूर्ख दा और पंडित दा की फर्क होया। कबीर साहब कहिंदे है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी जबलग घटमे खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोने एक समान। अगर पढ़िया लिखिया बुरियाई करता है, काम का शिकार है, क्रोध का शिकार है, लोभ का शिकार है, कहन लगे पंडित और मूर्ख दे अंदर की फर्क होया। वो तो जो मूर्ख है, जो कोई अखर भी नहीं जानता बेचारा, वो भी कर रहा है, वो दोने एक समान है। तो आप प्यार ना कहिंदे है कि ऐसे कर्म असी सारे करे, तीर्थ भी करे, वरत कोई एक दिन का रखता है, कोई चार दिन का, कोई दो दिन का। और साडे मुसलमान भरा साल दे विचों एक महीने का रखते हैं, लेकिन संत महात्मा सानू प्यार ना कहिंदे है, इहदे नाल कई शरीरक फायदे तो हो जाते हैं। कम खाना, संजम विच खाना, तो संत महात्मा कहिंदे है सब नो उच्चा संजम है, तुसी उतना खाना खाओ जितनी कि तुहानू जरूरत है। तो इस वास्ते स्वामी जी महाराज कहिंदे है, असी तीर्थ भी करे, वर्त भी रखे, पढ़ पढ़ाइया वाले नू भी मिले, खुद भी करी, तो कहिंदे ये मन जिहड़ा सी ये जागया ना, बल्कि हंकार दे विच होर सौं गया जी। तीरथ करे भारत पीरा के, विद्या पढ़ के हुए सुजान, जप तप संयम बहुविध तारे, मोनी हुए निदान। आप कहंदे जप तप सब कुछ कीता, कई जन्मां च मौन भी धारण कीते, लेकिन मन दे अंदर हंकार होया कि मैनू इतने साल हो गए मौन रखे, 12 साल हो गए, मैनू जिंदगी विच कई मौनियां नू मिलन दा मौका मिलिया है, लेकिन मन शांत नहीं देखिया। महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे सी, मूंह ना मंगिया, हथ ना मंग लिया,
तो बीमारी तो उही रही लैन देन दी। गुरु नानक कहते हैं मोनी होए बैठा दुद्धी हिरदे कल्पन गाठा। जे हिरदा दुनिया के पदार्थों वास्ते मान बिडई वास्ते तड़फ रहा है मोनी होए का की फायदा है। भाई गुरदास जी कहते हैं अगर मोन धारण के नाल परमात्मा मिलता हुंदा तो बहुत सारे जानवर जिंदगी पर चुप ही रहिंदे है, गूंगे चुप ही रहिंदे है, उन्हां नूं मिल जाना चाहिदा सीगा। तो संत प्यार नाल कहिंदे है कि उतना संजम दा चुप करो क्योंकि इस दे भी कई गुण हुंदे है। लेकिन जिहड़ा असीं इह कहिंदे आ कि चुप करना परमात्मा मिल जाएगा, इह साडा ख्याल स्वामी जी महाराज कहिंदे है इहदे विच कामयाब नहीं हुंदे गे। क्योंकि तप जो है मैं इहनूं अपनी जिंदगी दे विच ये करन दा कई साल मौका मिलिया है, बहुत सारिया होर भी प्रेमियों ने देखे होने हैं। आम तौर दे उते पंजाब दे अंदर दसंबर दा महीना जनवरी दा काफ़ी ठंडे हुंदे है, उन्हां दिनां विच जल धारा कीता जांदा है। 100-125 खड़ा बड़ी पतली जी धार इत्थे सिर ते चोटी दे विच पवाउणी, कई कई घंटे बैठना, आराम अक्षर दा जाप करना, ये भी तप काफ़ी मुश्किल है। लेकिन इस दा भी मौका मिलिया जिंदगी दे विच क्योंकि शौक जिसनू होवे प्रभु वास्ते उहदे वास्ते कोई भी कम कठिन नहीं हुंदा गा। तप मैनू कई साल मौका मिलिया, आम तौर ते जून दे महीने जदके बहुत गर्मी हुंदी है, ये 40 दिन अग्नि विच 12 बजे शुरू हुंदा है, 4-5 घंटे लग जांदे है। इस विच भी राम अक्षर का जाप किया जाता है, माला फेरी जाती है, इस दे अंदर कोई 10,000 माला फेरदा, कई इससे ज़्यादा भी फेरते हैं, आपो अपना यह हिसाब हुंदा है। जब मैं बाबा बिशन दास कोले तप करके गया वो बड़े प्यार नाल कहन लगे भी देख प्यारिया अग तो पहले ही अंदर बहुत जल रही है, काम की अग है, अगर काम की अग हुंदी है तो कोले खड़ा इंसान नहीं दिसदा गा, कामी बेशर्म हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं क्रोध की अग है, किस तरह दुनिया क्रोध के वस होकर एक दूसरे का गला कट्टण वास्ते तैयार हो जाते हैं, यह भी अंदर अग है, लोभ की अग है। कहिंदे अंदर कई अगां जल रही हैं, बाहर बदन साधन की की लोड़ है। दिल नूं ख्याल आया कि मैं तो दिल विच बड़ा हंकार करदा सीगा कि मैं तप कीता है, लेकिन जिन्ना महात्मा का अनुभव खुलिया होया सीगा जो अंदर जांदे सीगे उन्होंने बड़े प्यार नाल समझाया कि बेटा चकोर अंग्यार ही खांदा है, तू तो बाहर ही अग से की है, तो शांति अंदर है, अंदर जाने नाल ही शांति मिलती है। तो इस वास्ते स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं एक कर्म भी किते हैं। गुरु अर्जन देव जी भी महाराज आप दी पिछले जन्मां दी हिस्ट्री लिखते हैं, पाठ पढ़ियो अर वेद विचार्यो निवल पोए अंगम साधे, पंच जन्ना सो संग न छुटके अधिक अह बुद्ध वाधे, प्यारे इन बिद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका, मोन रहो कर पाती रहो नगन फिरो बन माही, तट तीर्थ सब धरती परमेओ दुबदा छुटके नाही। हाँ भाई, जप तप संजम बहु बिद तारे, मोनी हुए निधान अस उपाओ हम बहुत तक कीने,
लगाना आन। आ प्यार ना कहंदे है ये सारे अपाओ मन नु जगाउण दे कीते सन, लेकिन मन फिर भी ना जगया, क्योंकि बाहर ले जितने भी रीति रिवाज असी करते हैं उहदे नाल हंकार आ जांदा है कि मैं इतना जप कर लिया, मैं इतना तप कर लिया, मैं इतने वर्त रख ले है, मैं इतने तीर्थां ते फिर आया हाँ। देखा जाता है खुद भी ऐसा असी करते रहे हैं। गुरु नानक कहते हैं तीर्थ वर्त अरदान कर मन में तरे गुमान, नानक ने फल जात है ज्यों कुंचर इशनान। हाँ भाई आसे उपाओ हम बहुत कीने तो पी यह मन जगाना आन। खोजत खोजत सत गुरु पाए उन यह जुगत कही परमान। साढ़े महान गुरु कहते होंगे सीगे के भुखे नू प्यास, भुखे नू रोटी, प्यासे नू पानी कुदर दा असूल है जरूर दिंदी है। वो परमात्मा बेखबर नहीं हुंदा गा, वो चींटी दी पकार नू बड़ा पहला सुन लेंदा है, हाथी दी मगरों सुनदा है, वो साढ़े अंदर है, साड़ी तड़फ नू जानदा है। राम च रोखे बैठ के सबका चारा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। उसनु पता है कि कौन मेरे वास्ते तड़फदा है, वो किस जगह है, उसका जरूर इंतजाम करता है। जे साडे दिल अंदर सच्ची खोज है, बाबा जैमल सिंह कहंदे हुंदे सी अगर साडे दिल अंदर सच्ची खोज है, अगर कोई पूरा महात्मा ना मिले हो जा रही है, शरीर छुट जाए, वो परमात्मा अगले जन्म दया करेगा, जरूर पूरा गुरु मिलाएगा। परमात्मा बेखबर नहीं गा, साड़ी तड़फ जरूर सुनता है, वो अंदर बैठा है। जिनी जिनी साड़ी आशा है, जिनी जिनी साड़ी सच्ची फरियाद है, प्यार है, वो जरूर उस आस नू मराद दिंदा है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे है कि जद असी अपनी खोज जारी रखी, तलाश जारी रखी कि परमात्मा है, मैं उस नू मिलना है, अगर साड़ी सच्ची खोज है, सच्ची तड़फ है, तो वह पूरे गुरु का अनुभवी पुरश का वो जरूर मिलाप करा दिंदा है। और जेड़े भी अनुभवी पुरश हुंदे है महान संत, वो सानू बाहर किसी रीति रिवाज दे विच नहीं लाउंदे गे, वो सानू सिमरन शब्द की कमाई दे विच ला दिंदे है जी। खोजत खोजत सत गुर पाए उन यह जुगत कही परमान। सत संग करो संत को सेवो तन मन करो कुर्बान। वो की कहंदे है के सत्संग करो, इस नू समझण वास्ते बड़ी जरूरत है, क्योंकि असी मंदिर अंदर जाने हैं, गुरुद्वारे जाने हैं, मसीतां जाने हैं, उत्थे नेक ख्याल लेके जाने हैं, उत्थे कोई बुरी हरकत नहीं कर देंगे। अगर असी उत्थे बुरियां हरकतां करते हैं, एक तो समाज वाले भी हमारी निंदा करते हैं कि देखो ये आया तो मंदिर अंदर है, ये किन्नी बुरी हरकत करता है। दूसरा वो हाजरी प्रभु तो भी बेमुख है, प्रभु भी मंजूर नहीं करता, जैसा घरों जाता है वैसा आ जाता है, बल्कि वो मैं ला के नहीं आता, होर लाया आता है।
क्यों नहीं असि उत्थे कोई बुरी हरकत कर दे गए। सानू पता है कि धर्म की जगह है, यह धर्म स्थान है। तो मंदिर अंदर बहुत आदमी जाते देखी दे है, असी भी आपकी जिंदगी दे अंदर काफी गए हैं। जो सियाणा आदमी श्रद्धालु आदमी जाता है वो जो भी उसमें सिमरन इस चीज का करता है, वाहेगुरु का करता है, अल्लाह का करता है, राम का करता है, वार का करता है, वो करता जाता है, किसी ने बात नहीं करता है। उसे सिमरन आया वो भी आता सिमरन उसे लगता है अक्षर का वो जाप करता फिर सिमरन करता घर आ जाता है। ऐसे आदमी उसे आमतौर से प्रेमी भी कह देते हैं, अच्छे कह देते हैं, ये बहुत अच्छा है। उहदा खुद का भी फायदा, दूसरों का भी फायदा। इस तरह जो सत्संग स्थान है जिथे असी बैठ के सत्संग करते हैं, अभ्यास करते हैं, ये भी पवित्र जगह है, क्योंकि जिथे मालक की याद असी करते हैं वो जगह पवित्र है। इस विच आना भी इस तरह ही है कि सिमरन करते आइए, सिमरन करते आपके घर में चले जाइए, घर नूं करे छोड़े आइए, क्योंकि इत्थे तां असीं परमात्मा की याद वास्ते आए हाँ। इत्थे ना कदे किसे घर की बात करिए, ना किसे दी चुगली करिए, ना निंदिया करिए, ना कोई होर भेड़े ख्याल इत्थे उठाइए। इस दे अंदर बैठ के तां सानूं सिमरन ते जोर देना चाहिए है, ना किसे दी बात करो ना सुनो, फिर तुसीं देखो कि सत्संग का कितना फायदा है। एक सत्संग नहीं, दूसरे च, दूसरे तीसरे च हौली हौली साडा मन दुनिया की तरफों सौना शुरू करेगा, परमात्मा की तरफों जागना शुरू कर देगा। यही मन में जगाउण दा सत्संग करन दा तरीका है। अगर ऐसा असी नहीं करते तो महाराज जी कहानी सुनाते होंगे सीगे कि कोई महाजन सत्संग के अंदर बहुत साल दा जांदा सीगा। एक दिन वो कोई खास मेहमान घर अंदर आया सीगा, वो जा ना सकिया ड्यूटी पूरी करन वास्ते के नागा ना पै जावे, आपदे बच्चे नूं भेज दिता उत्थे। कथा करन वाला पंडित प्यार ना कह रहा सीगा भई देखो हर जीव दे अंदर परमात्मा है, सानू दया करनी चाहिए है हरेक जीव ते, चाहे पशु है चाहे पंछी है। उस बच्चे दे दिल उत्ते बड़ी असर होया इस लफ्ज का। घर आया दुकान उपर कोई समान पिया सी, गऊ आई उसनू खान लगी। उसने सोचा कि काफ़ी किराया वगैरह आ रहा, आमदन हमारे को काफ़ी हो रही है, अगर थोड़ा बहुता खा लेगी कि घाटा पैंदा है। इतने नू बुजुर्ग बानिया भी आ गया, वो बड़ा खफा होया, कहन लगा देख बई अन्ने दया न्या तेन कुछ दिसदा या नहीं दिसदा, गऊ तेरे कोले नुकसान कर रही है खा रही है। वो कहन लगा पिता जी अपने काफ़ी धन पदार्थ है, अगर ये गरीब जानवर थोड़ा बहुता खा लेगा की फर्क पैन लग्या है। वो कहन लग्या मैं 30 साल का उत्थे मंदिर च जाना है, कथा सुनदा हाँ, अगर मैं ऐसियां गल्लां पकड़ के लिया अज नूं घर उजाड़ दिंदा। उत्थे सत्संग दियां जो बातां हन उत्थे छड्डियां दियां होंदियां, पल्ले बन के नहीं लई दियां होंदियां। सो महाराज जी कहिंदे हुंदे सी कि उह बाणियां ही तरह अगर असीं धोती झाड़ के घरे चले जावांगे की फायदा है। उस बच्चा एक दिन गया उन्हें कितना उस ते असर होया। सो महात्मा साढ़े अंदर सत्संग के जरिए ही सानू प्यार दे नाल दसदे है। सत्संग के अंदर आउण दा की फायदा है कि असीं सोचना कि महात्मा की कहिंदे है, जो साढ़े अंदर गलतियां हन जो कमियां हन उन्हां नूं असीं दूर करना है। तो थोड़े सत्संगां दे नाल ही साढ़े अंदर तब्दीली आ जाती है। तो आप कहन लगे सत्संग करो, हर महात्मा ने सत्संग ते जोर दिता है। ब्रह्मानंद कहिंदे है सत्संग ते जग सार साधो,
सत्संग जग सार रे, काशी नाए मथुरा नाए, नाए हरि द्वार रे, चार तीर्थ चार धाम तीर्थ कर आए, मन का नहीं सुधार रे, मन का सुधार नहीं, क्योंकि मन अंदर अहंकार आ गया। मंदिर जाए करे नित पूजा, राखे बड़ा उचार रे, साधु जन की कदर न जाने, मिले न सृजन हार रे। तो इस वास्ते सारे संतां ने सत्संग दे उत्ते जोर दिता है। गुरु नानक कहिंदा है, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया। जिस तरह साडा मन जन्मा जन्मात्रां दा सुत्ता होया है, हरा की इस दे अंदर चेतनता जाग पैंदी है, इसकी इहदे अंदर तड़फ जाग पैंदी है। तो आप कहण लगे के किस दा सत्संग करना है, किसे अनुभवी पुरश दा? हाँ भाई, सत संग करो संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान, सत गुर शब्द सुनो गगना संत महात्मा जो आज काम करना है वो कहते सुबह ही कर दियो। कबीर साहब कहते कल करन ता अब कर, अब करता सोय ताल, पाछे कछु ना आग हो भी जे सिर पर आया खार। वो कहने लगे के तुसी सिमरन करके सत्संगी नू अखां अगे अखां दे पिछे जल्दी तो जल्दी आ जाना चाहिए है, क्योंकि कोई खास है मुश्किल की गल नहीं। सिमरन करना की मुश्किल है, सिमरन की तो सानू आदत ही पई हुई है। यह जरूर है कि असं मुश्किल बनाया हुआ है, क्योंकि दुनिया का सिमरन असं छड़न वास्ते तैयार नहीं गए, इस वास्ते सिमरन की आदत नहीं पाते गए। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुसीं सिमरन दे जरिए नौ द्वारे खाली कर लो। नौ द्वारे, दो अखां हैं, मुंह है, दो नक दे सुराख हैं, हेठ दो इंद्रियां हैं। कहन लगे इन्हां नूं तुसीं जो इन्हां दे रस्तियां विधि सुराखां विधि साडी आत्मा दुनिया दे रसां विच जांदी है, इहनूं मोड़ो, सिमरन दे जरिए इन्हां दोनों अखां दे दरम्यान लियाओ। जिते कोई शब्द आ रहा है शब्द नूं पकड़ के ही साडी आत्मा उस जगह जा सकती है जिथों शब्द आ रहा है। हाँ, साते गोए शब्द सुनो गगना चढ़, चेत ले अपना जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जहान। जो सिमरन करते हैं किस तरह पैरां दे अंदर चीटियां दी तरह दर्द होंदा है, पहला साढ़े पैर सुन होंदे है गिट्टे कुलाइयां, इस तरह शरीर सुन हो जाता है। प्रेमी नूं हौसला हो जाता है कि मेरा सफर जो है शुरू हो गया है। आप कहने लगे हौली हौली असीं आपके घर की तरफ नेड़े होना शुरू हो जाने हैं। जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जहान, जहान की जो भी जहान दे असीं खट्टे मिठे रस लैन लगे हैं, विषय बकारा नूं असीं उत्तम समझिया होया है, इन्हां रसां नूं असीं पहल दित्ती हुई है, ये सारे झूठे लगते हैं। के फिके है आखिर जे असीं नहीं छड्डांगे, शरीर छड्ड देवेगा, शरीर जवाब दे जाएगा। भोगों रोग सो अंत भगोवै, आए जाए दुख पाएं दा। गुरु नानक साहब कहन लगे
कि आखिर शरीर नकारा हो जाएगा फिर छिड़ने पै जाते हैं। सूरमा वो है जड़ा जवानी दे विच ही इधरों मूंह मोड़ लवे। कबीर साहब कहिंदे मन मूसा पिंगल पिया पी पारा हर नाम, लेकिन गल्लां दे नाल असी इस मसले नूं इस मजबून नूं हल नहीं कर सकते गे। जे कबूतर बिल्ली नूं वेख के अखां बंद कर लैंदा है तो बिल्ली दे पंजे तो बच नहीं सकता गा, वो कुछ ही मिनटां बाद अपने आप नूं बिल्ली दे मूंह विच देखदा है। इस तरह जे असी इस मसले नूं कहीए पढ़ पढ़ाई नाल असी हल कर लांगे ये नहीं हुंदा गा। ये जरूर है कि पढ़ते पढ़ते असी रस जरूर माणांगे, थोड़ा बहुता दिल च ख्याल आएगा कि शायद असी इन काबू कर लांगे। स्वामी जी महाराज कहिंदे है समा पड़े पर होवत चोरा, जद वक्त आउंदा है अंदरे मन बैठा है वह बना लैंदा है, बीमारी भी अंदर है दवाई भी अंदर है। तो कहन लगे कबीर साहब कहिंदे जिस तरह मूसा पारा पी के हिल चल नहीं सकता जागता रहिंदा वो हरकत करता रहिंदा है, यही हालत मन दी हो जाती है। अगर इस नाम दी रस नाम दी लज्जे दे दईए जागत जागत अब मन नानक नूं पुछिया जोगियां ने कि जी संसार विच केड़ा पंथ केड़ा समाज अच्छा है केड़ा उत्तम है, क्योंकि अजकल तो जोगियां दे पंथ भी गिने नहीं जाते, लेकिन उस वक्त 12 पंथ जोगियां दे मशहूर सन और सब नालों जो अपने आप नूं सब कहिंदे साडा पंथ ठीक है, लेकिन गुरु नानक ने बड़ा प्यार नाल जवाब दिता आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत। उही पंथ उही समाज अच्छा है जिस विच मन नूं जितण दी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर मन जित लिया तो दुनिया नूं बनाउण वाले नूं जित लिया, अगर मन दे मूहरे हथियार सट दिते। कबीर साहब कहिंदे है मन दे हारे हार है मन दे जीते जीत, अगर मन दे गए असी हथियार सट दिंदे हैं तो साडी हार हो जाती है, अगर मन ते असी फतेह हासिल कर लैंदे हैं तो जीत हो जाती है। सो इस वास्ते संत सानू दसदे है कि जो मन साडा दुश्मन अंदर बैठा जन्मा जन्मात्रा तो धोखा दिंदा रहा है, विशे बकारां नूं मिठे कह के इधर लाउंदा रहा है, अगर किसी ने किसी सर्प नूं पकड़ना है अगर उस नूं आपां किसी पटियारी अंदर बंद कर दईए उहदे अंदर गुस्सा ज्यादा होएगा, जब उहदी पटियारी चों निकलण दा मौका मिलेगा वह जरूर डंग मारेगा और साडे अंदर जहर भर देवेगा खत्म कर देवेगा, कदे भी आपदी आदत तों बाज नहीं आउंदा गा। पढ़ पढ़ाई ना जप तप करना मन का वस करना इस तरह ही है जिस तरह उस सर्प नूं पटियारी अंदर बंद कर देना है, लेकिन जिस तरह सपेरे लोग सर्प नूं पकड़ के खटियाई उहदे दंदां नूं लांदे है, जो सर्प है वह सदा वास्ते कटनों हट जाता है और वो डंग तो ही सदा वास्ते बच जाने हैं। सो संतां नूं इहदी कमजोरी का ज्ञान हुंदा है, सब तो पहला ही सोचना है कि जो मन है ये किस चीज़ ते आशक है कित्थों दी इहदी पैदाइश है, ये लज्जत दा आशक है, ये भी अपने घर तों भटकिया होया है
तो दुनिया की सब तो उची तो सुची लजे जो है वह शब्द की है, नाम की है। तो संत सन दसते हैं कि मन में टिकाने पर पहुँचा दौ, ब्रह्म की अंश है, ब्रह्म के पहुँचा दौ। जो मन जन्मा जन्मात्रा तो धोखा दिता है वो ही मन साड़ा दोस्त बन जाता है, मदद करता है। आत्मा इस पंजे तो आजाद होकर अपने घर वापस सचखंड पहुँच जाती है, वह ब्रह्म विच जाके समा जाता है। आत्मा सतलोक में जाके समा जाती है, दोनों आपो अपने घर विच चले जाते हैं जी। मन की मदद सूरत को जी महाराज बड़े प्यार नाल दसदे है, शब्द नाम की लज्जे तो बगैर थोड़ा मन कदे जाग नहीं सकता गा, ना खुद ही भगती च लगे ना थानू लगन देवे। वो कहन लगे बेशक जितने भी दुनिया के अंदर पढ़ पढ़ाना है, तीर्थां ते जाना है, वर्त रखने है, ये तो वह कहते असी खुद ही करके जिंदगी देखते आए हैं। अगर कोई होर भी उपाओ तुसी करना है तो कर सकते हो, लेकिन शब्द तो बगैर, नाम की कमाई तो बगैर तुसी आपदे मन नू काबू ही नहीं कर सकते गे, इनू टिकाने ते लिया ही नहीं सकते गे जी। बिना शब्द ये मन नहीं जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान, आपका तजर्बा दसिया है कि इस उपाओ नाल मन वस आ जाता है, शब्द की कमाई, नाम की कमाई के नाल। तो आप कह लगे होर चीज़ का संतां की बाणी विच कोई प्रमाण ही नहीं दिता जाता गा, किसी महात्मा की बाणी पढ़ के देख लो, उहदे अंदर शब्द का प्रचार है, नाम का प्रचार है, सत्संग का प्रचार है, पूरे गुरु के उत्ते जोर दिता जाता है। बाकी जितनिया भी चीज़ा होंदिया हैं सब का महात्मा की बाणी अंदर खंडन किया होंदा है। संतां की बाणी बड़ी प्यारी होंदी है, मिठी होंदी है, सत्संगी चो खास फायदा उठा जाते हैं, क्योंकि जब तक असी किसी संत सतगुरु तो नामदान प्राप्त नहीं करते गे उतना चिर सानू भावें किसी महात्मा की बाणी दिन रात पढ़ते रहिए सानू पता ही नहीं लगता गा कि महात्मा की बाणी की कहती है। जब सानू अंदर जाण का भेद मिल जाता है फिर बेशक किसी भी इलाके का महात्मा क्यों ना होवे जिसकी कि असी बोली समझ सकते हाँ कोई मुश्किल नहीं, असी उस चो बड़ा फायदा उठा जाने हैं। सानू पता लगता है कि ये अंदर सत्संग ते जोर है, गुरु भगती ते जोर है, पूरे गुरु नू मिलने फायदे दसे जाते हैं। सो इस वास्ते संतां दी बाणी अंदर बाहर मुखी कर्मकांड नू कोई जगह नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां, नाम निधान अपार भगता मन वसै, दुख अंधेरा तैं संतां संग नसै, मोहे बाद हंकार सिर पर रोनिया, सुख न पाए न मूल नाम शुन्या, मेरी मेरी तार बंधन बंधिया, नरक सुरग अवतार माया तंदिया, विसर नहीं दातार अपना नाम देवो, गुण गावा दिन रात नानक चा ए हो। सो संत महात्मा ने नाम की महिमा गाई है, नाम का ही प्रचार किया है, नाम के विचों महात्मा आते हैं। सो इस वास्ते स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि बगैर शब्द और नाम की कमाई तो मन साड़ा जागदा नहीं। इस वास्ते महात्मा
अपने सत्संग दे अंदर अपनी बाणिया दे अंदर होर किसी चीज का प्रमाण ही नहीं देंदे गे जी। यही उपाओ कबीर साहब भी कहते हैं लेखे में सोए कड़ी बाकी के दिन बाद कहते लेखे जी जिंदगी कद लगी गई जब गुरु ना मिलाप होया गुरु ने नाम दे नाल जोड़ दिता शब्द दे नाल जोड़ दिता। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं जो सानू जिहड़ी जिंदगी विच नाम तो बगैर नंगी है कहते वो साडी उम्र किसे लेखे विच नहीं लेखे विच यही कड़ी है कि जब साधी शब्द दे नाल आत्मा जुड़ गई है गुरु नाल मिलाप हो गया है जी। बेरथा बैस बेतावी अपनी लगे न कभी ठिकान संत बिना सब पाट की डोले आप प्यार ना कहते हैं कि महात्मा तो बगैर शब्द की पहचान नहीं क्योंकि वो शब्द वो नाम गौन बजाउन वाला नहीं गा जिन्हों असी आम तौर पर शब्द समझते हैं वो शब्द ना लिखन चाहता है ना बोलन चाहता है ना पढ़ पढ़ाई में चाहता है वो बिना बोली भाषा है बिना लिखा कानून है वो नाम वो शब्द साडे अंदर है दिन रात वो तनकारा दे रहा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं शब्द धरती शब्द आकाश शब्द शब्द पिया प्रकाश सगली सेठ शब्द के पाशे नानक शब्द घटे घट आशे। वो कह लगे चंद्रमा सितारे धरती आकाश सब वो शब्द ने पैदा किए हैं वो हर एक दे घट अंदर है वो शब्द वो नाम संत महात्मा वो शब्द नाल जोड़न वास्ते आते हैं। इस वास्ते आप कहते हैं सब जब तक महात्मा नहीं मिलता गा असी भटकते फिरते हैं डोलते फिरते हैं कुरुक्षेत्र वाले हरिद्वार में जाते हैं हरिद्वार वाले कटाक्षराज में जाते हैं एक एक आदमी अनेक जगह जगह च फिरता है क्यों फिरता बई उन्हें शांति नहीं उन्हें किसी जगह भरोसा नहीं विश्वास नहीं दिता गया कि मैं तेरा जिम्मेवार हाँ। जब संत मिल जाते हैं वो जिम्मेवारी उठा लेंगे है नाम देना महाराज सावन सिंह कहते होंगे सी कोई गुड़िया का खेल नहीं नाम जिम्मेवारी होंगी है। साढ़े सतगुरु महान कृपाल महाराज कहते सके कि नाम एक तवज्जो होंगी है जो अनुभवी पुरुष ही दे सकता है। संत नाम दे के भूल नहीं जाते गुरु अकुल शक्ति होंगी है वो जब तक जीव न उस प्रभु के अगे खड़ा ना कर दे भुलना बख्शा दे कि यह तेरा जीव है ये भुल गया सी भुल बख्शाने वास्ते आया है वो छोड़ दे ही नहीं। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं जब तक संत नहीं मिलते गए असी भटकते हैं डोलते हैं बगैर संत तो असी कदे टिकाने ते नहीं पहुंच सकते गे जी। संत बिना सब पट की डोले बिना संत नहीं शब्द पिशान शब्द शब्द में शब्द ही चौरासी छूटे
जन्म जन्म की होवे हान राधा स्वामी के बुझाई बिना संत सब पट के खान।